कोई भी सफ़र आसान ही होता, रास्ते, वादियाँ। हम जब भी किसी चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं ना, या किसी चीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो वक्त हमारा हमेशा इम्तिहान लेता है। हम सफ़र को आसान बनाते हैं अपनी स्माइल से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड से। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज साक्षी तुंजल एंड मैं जा रही हूँ अपने नए सफर पर। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं साउथ जा रही हूँ। आई एम गोना ड्राइव अराउंड लाइक 2700 किलोमीटर एक साइड पे दिस टाइम, सो इट्स गोना बी टच बाय कन्याकुमारी। अगर 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 फेट साथ में रहा तो, सो यू हैव टू बी इन दिस सफर विद मी। एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है या लाइक नहीं करा है मेरा ब्लॉग, तो पहले जो आके सब्सक्राइब करो, मुझे बेल आइकन को क्लिक करो और मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखो ट्रैवलिंग के। अगर फिर भी आपकी कुछ वो है, हाँ मैं आपको सारा पेट्रोल चार्जेस तो सब कुछ बताऊंगी कि कितना लगा। मैं चला रही हूँ निसान मैग्नाइट इस टाइम पे और मैं हूँ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे। मुझे घर से निकलने में अराउंड हो चुका है 1 घंटे से भी कम। सो इट्स गोना टेक अराउंड, मुझे 1 दिन और 22 घंटे की जर्नी दिखा रहा था, तो इट्स गोना टेक अराउंड 2.5 days टू रीच। और प्लेस आई एम गोना टेक रेस्ट ऑल्सो इन बिटवीन, तो इट्स गोना टेक 2.5 days। सो दिस टाइम ऑल्सो इट्स गोना बी अ वेरी बिग सफर। हाँ अगर आप फ्लाइट्स भी ले रहे हैं, अगर आप फ्लाइट्स ले रहे हो वहाँ जाने की, तो इट्स गोना कॉस्ट अराउंड 8 to 12,000 समवेयर। केरला में मैं जा रही हूँ मुन्नार, सो मुन्नार मेरा पहला डेस्टिनेशन है, तो इट्स गोना टेक दिस मच फॉर द फ्लाइट। और मेरा बजट जो कंप्लीट बजट है इट्स 60,000। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1% हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2% इन अ मंथ स्पेशली विद मी। सो यू नो इट्स इट टू दिस गर्ल, सबसे लास्ट व्लॉग तक आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा कि कौन स्पेशल था मेरे साथ। सो अगर आप मेरे लाइफ में कोई स्पेशल को जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। सो यस लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द एक्साइटिंग व्लॉग। मैं बहुत हैप्पी हूं कि मैं जा रही हूं। ठीक है बंद कर दो, पेटीएम दे दो। ये फर्स्ट प्लेस हम मेरी रुकने की, खाना खाने के लिए बहुत भूख लगी थी, हाईवे क्रॉसिंग फाइनली कहीं रुकी हूँ मैं और थोड़ी बहुत नींद भी पूरी करी है। चलो अंदर चलते हैं कुछ खाते हैं यार, आई एम रियली हंग्री क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया सिवाय हाँ मेरी फेवरेट मूसली और दूध के। आज मैं मूसली भरू कुछ खाना। और इस वक्त बज रहे हैं अराउंड 3 बजने वाले हैं, मेरा आज का सफ़र पूरा रोड्स पे रहने वाला है। एंड मैं इस वक्त एंटर कर चुकी हूँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अगर आप रुबाई रोड जा रहे हो तो आगरा फिर मध्य प्रदेश आता है, इंदौर भी आएगा बीच में, अभी बहुत कुछ बीच में आना है। एंड स्टे यू नो स्टे विद द वीडियो। मैं चला रही हूँ निसान की मैग्नाइट और जो मुझे दे रही है काफ़ी अच्छी एवरेज, तो आई एम गोना शेयर द पेट्रोल एज वेल। और वैसे भी अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, ओह माय गॉड आई शो यू समथिंग गाइस, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं गलती से। सो माय गॉड चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं और आगे फिर सफ़र करते हैं अपना। तो मेरे लिए ग्वालियर जो है वो 10 किलोमीटर है, झांसी जो है 105 किलोमीटर है और बीहद 40 किलोमीटर। मैं अभी भी केरला से कम से कम 1 दिन और 17 घंटे मतलब 16 घंटे के आसपास की दूरी पर हूँ। गाइस मैं खड़ी हूँ वीर सिंह पैलेस के बाहर। अगर आप मध्य प्रदेश एंटर कर रहे हो तो मध्य प्रदेश एंटर करते हुए आपको ना यहाँ की बहुत ब्यूटीफुल मतलब यू नो बहुत ब्यूटिफिकेशन, मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर मतलब साउथ जाते वक्त ना रास्ते लगते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा आपको। दिस इज वीर सिंह पैलेस मेरे सामने। अभी मैं हाईवे पर हूँ, इट्स लुक ग्रेट। चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मध्य प्रदेश मोर और लाइक पता पूरा मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब एक होता है ना ईट पे बसा हुआ जगह है। मतलब मैं जहाँ एंटर करे जा रही हूँ ना तो मुझे बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के पत्थर धसे मतलब एक तरह से दिख रहे हैं। मैं पहले भी मध्य प्रदेश के रास्ते आई हूँ बट मैं आउटर मध्य प्रदेश पर आई थी, इसलिए मुझे लग रहा है मुझे इनर साइड से लेके जा रहा है पूरा का पूरा मैप।
तो जब आप प्लेसेस क्रॉस करोगे आपको बहुत सारी रिवर मिलेगी, सिंध रिवर, कृष्णा रिवर, सो यू कैन एक्चुअली गेट द व्यू इतनी सुंदर सुंदर रिवर्स का. एंड ऊपर से बारिश हो रही हो मध्य प्रदेश के अंदर, तो यू विल एक्चुअली लव इट. शाम के 6 बज रहे हैं, स्काई को देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है. मध्य प्रदेश, आई मीन मध्य प्रदेश क्रॉस होने में बहुत टाइम है. यहाँ पे पता है लोग कल्चरल ड्रेसेस में घूम रहे हैं, घूंघट डाले हुए, मतलब यहाँ का कल्चर ही बहुत अलग है मध्य प्रदेश का. और उसके अलावा आज का दिन गाड़ी में ही, सो बेसिकली आज और कल ड्राइविंग करनी है. मैं थोड़ा सा नैप ले चुकी हूँ, मेरी नींद पूरी है. एंड रास्ता बहुत खूबसूरत है, मतलब यहाँ की सड़कें मध्य प्रदेश की सड़कें फार बेटर देन मतलब एनीवेयर एल्स. साउथ में जितनी बार साउथ गई हूँ गाड़ी में, साउथ साइड गई हूँ, मुझे सड़कें बहुत ही प्यारी लगती हैं और ग्रीनरी तो इतनी है. बट पता है बाहर बहुत ह्यूमिड है, बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. गाइस जहाँ मैं मध्य प्रदेश में, कहाँ हूँ मैं भैया अभी इस वक्त? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है ये? सारण जिला. सारण जिला, सारण जिला. आप कब से काम कर रहे हो पेट्रोल पंप में? ढक्कन खुला छोड़ देते हो गाड़ी का? 4 महीने में पेट्रोल ही डाला ना, डीजल तो नहीं डाल दिया? नहीं पेट्रोल ही डाला, वो आपका ऑनलाइन पेमेंट था तो हम स्लिप चेक करने गए. अच्छा, तो खोल के चले गए. और अगर नहीं दिया ऑनलाइन, और अगर कुछ हो जाता तो इतनी देर में? और मैंने आज तक इतना मतलब पेट्रोल डलवाया नहीं है, और यहाँ पे 108.44 का रेट है. सो गाइस रास्ता अभी बहुत बाकी है, चलना है अभी बहुत दूर तक, तो मंजिल अभी तक हम पहुँचे नहीं है. सो अभी मेरे को पहुँचने में लगेंगे आप लोगों के साथ एग्जैक्टली 2 दिन. सो बने रहना ब्लॉग के साथ, मैं आपको मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ. तो मुझे एक कमेंट करके और बताना कि मैं रेगुलर पोस्ट करूँ यूरोप केरला की सीरीज़, या फिर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करूँ. सी यू टुमारो. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर देना. और हाँ, मैं आपको पेट्रोल बता देती हूँ और किलोमीटर बता देती हूँ. सो गाइस मेरा पेट्रोल लग चुका है, अभी पूरा लगा नहीं है, है गाड़ी में 5000 के आसपास का, और मैं डलवा चुकी हूँ. और उसके अलावा किलोमीटर मैं पार कर चुकी हूँ 835 अपने घर से यहाँ तक. सो आई गेस मैं इंदौर क्रॉस में अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कहीं बीच में हूँ. सो मैं आपको मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड लविंग. सी या.